हेलो डियर्स, वेरी वेलकम्स टू ऑल। आज हम एक्वेरियम का फ़िल्टर कैसे साफ़ करते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों, ये फ़िल्टर का हेड है जो मैंने खोला है, और ये हेड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसमें आपको कुछ प्लास वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको दबा के आगे खोलना पड़ता है। ये अंदर में मेस जैसा रहता है दोस्तों, फॉर्म है ये, इसको आप दबा के अच्छे से धो सकते हैं, रगड़ के धो सकते हैं, साबुन से धो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। यही इसको टान नहीं सकते हैं, टानने से टूट जाएगा ये। और ये यूनिक रहता है क्योंकि एक सेट में एक ही है, तो आपको फिर दूसरा नया ख़रीदना पड़ेगा। ये लूज़ भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और ये अंदर, इसके अंदर ये वाशर है, ये मैग्नेट सेट है दोस्तों। ये बहुत ही कीमती है मान लीजिए, क्योंकि एक बार खोने से फिर मिलेगा नहीं। ये एक लोहे का पाइप रड है, ये छोटा सा, ये गिरनी है, इसमें मैग्नेट है। और ये जो रबर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसको भी कैसे लगाएंगे ये मैं बताऊंगा। ये मैं जुगाड़ रखा हूँ ब्रश है, इसे साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। इसे मैं मैग्नेट को साफ़ कर लिया हूँ, में जंग हो जाता है और रस तो नहीं, लेकिन आयरन इसमें जम जाता है। और जितने भी फिश के ये मटेरियल्स होते हैं, एक्सक्रीटास वगैरह होते हैं, वो इसमें जमा हो जाते हैं फॉर्म में। और ये ऊपर का हेड है, इसको भी हम लोग ब्रश से साफ़ कर लेंगे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग धो सकते हैं। और एक बार दोस्तों, ये वायर जो है इलेक्ट्रिकल वायर है, तो इसमें पानी लगने से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम धो रहे हैं। देख लीजिए कैसे आराम से धो सकते हैं। और ये एक प्लग रहता है, ये प्लग को उसमें लगा के हेड के ऊपर पोर्शन में लगा देते हैं आराम से, और इसको घुमा के सेट करना पड़ता है, और क्लिप जैसा सेट हो जाता है, वो निकलता नहीं है। इसको मैं ब्रश से साफ़ कर ले रहा हूँ। ये जो दोस्तों पानी देख रहे हो, आप सभी जो पानी देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक्वेरियम का मेरा पानी आ रहा है। पाइप से मैं कनेक्शन किया हूँ, क्योंकि एक्वेरियम में साफ़ कर रहा हूँ, तो उसका पानी मैं खाली कर रहा हूँ, 3/4 खाली करना पड़ता है। तो ये वही पानी आ रहा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ़िल्टर धोने में। इसको भी ब्रश से साफ़ कर ले रहा हूँ। और ये प्लास्टिक है ये दोस्तों, शोपीस है, और मछली के छुपने का भी जगह होता है, बहुत फ़ायदा है, अच्छा चीज़ है। मछलियाँ रेस्ट लेती हैं, अपने आप को फ्रेश समझती हैं वहाँ पे रेस्ट लेके। ये पाइप में टीने में सटाया हूँ, घुसा दिया हूँ टीने में, और इसको अच्छे से धो लें। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ये 50 वाट का है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जल्दी रुकता नहीं है, एक होता है कम वाट का, वो रुक जाता है। ज़्यादा फिल्टर अगर कचरा जम जाएगा फॉर्म में, तो वो फिर अपने आप रुक जाता है, मशीन काम नहीं करता, अब वो हीट भी होने लगता है। तो ये जो है, ये काम करता रहता है, साफ़ करता रहता है। ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा 2 महीना, तो फिर ये रुकता है। ये देख लीजिए दोस्तों कैसे लगाया हूँ मैं, ये डाल के अंदर में एक रबर रहता है, वो रबर में ये लोहे का जो रड है उसको हमें लगाना है अच्छे से, ये उसी में लगना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और ये ऊपर भी एक रबर है छोटे सा, ये देख लीजिए ऊपर भी एक, ये देखिए अंदर में दोस्तों नहीं था रबर, ये रबर मैं डाल रहा हूँ, ये रबर डाल के ऊपर से डाल दिया हूँ। ये मेज जैसा है, गिरने जैसा है, ये उसके हेड जो लगा रहा हूँ उसके ऊपर में भी एक छोटा सा रबर रहता है, उसी में जाना चाहिए ये रड, जो छोटा सा रड, तभी ये अच्छे से घूमता है और ये एयर बनाता है। इसको घुमा के हमको स्लॉट में लगाना पड़ता है, स्लॉट में लगाने से अपने आप टाइट हो जाता है। और ये जो वाइट पाइप है, उसको पानी से बाहर रखने से एयर निकलता है दोस्तों। अगर पानी के अंदर रखेंगे तो ये एयर नहीं बनाएगा, लेकिन पानी साफ़ करेगा। और कुछ पूछना है दोस्तों, आप सभी पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू।